इंदौर के पास मानपुर स्थित वेयरहाउस मालिक ने कृषि उपज पर लोन लेकर बैंक से अलग अलग मामले में करोड़ों की हेराफेरी कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद वेयरहाउस मालिक सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मानपुर के सारडा वेयरहाउस के मालिक ने वेयरहाउस में रखी कृषि उपज को आईडीबीआई बैंक में बंधक रखकर 15 करोड़ का लोन लिया। माल की देखरेख के लिए एलटीसी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। कर्मचारियों ने वेयरहाउस से मिलकर माल की हेराफेरी कर दी। उक्त आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें किसान धन एग्री फाइनेंस कंपनी के द्वारा वेयरहाउस मालिक के द्वारा जो माल रखा गया था वेयरहाउस में, उस पर 12 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत किया था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सोहनलाल कमोडिटी कंपनी को तैनात की गई थी। कंपनी के सुपरवाइजर और गार्ड्स एवं वेयरहाउस मालिक आलोक सारडा ने मिलकर उसमें रखे हुए माल में से आधा माल निकाल कर अफरा तफरी कर दी और उसकी जगह पर पत्थर, भूसी, चूरी आदि भरकर उस स्थान पर रख दिए, जिस पर 420, 409, 408, 120 बी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 6 करोड़ की अफरा तफरी की गई है। दोनों प्रकरण में अलग अलग हैं। इसमें 4 आरोपी हैं वर्तमान में, विवेचना में आगे क्लियर होगा। बैंक की शिकायत पर मामला ईओडब्ल्यू पहुंचा, जिसके बाद मामला जांच में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।